तो अगर मैं शुरुआत करूं, ये मेरा घर है जहाँ पे मैं रहता हूँ, काफ़ी मेशी है, इसको भी आज पूरा क्लीन कर दूंगा, आप अच्छे से देख लो। अभी चलते हैं बाहर। ये रूम है, ये खिड़की है, सामने का अनदर रूम है। अगर ऐसे देखो सीढ़ियां बनी रहती हैं सिर्फ बाहर जाने के लिए। मैं रहता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पे एक अलग रूम है, वहाँ बेसमेंट है, ये अलग रूम है, और ये किचन है। किचन काफ़ी बड़ा है, क्या कह रहे हो, लाइट कम है थोड़ी? नहीं नहीं गरीब नहीं है, चल जा, गरीबी थोड़ी है बट इतनी भी ज़्यादा नहीं है। ये देखो ये टच एंड ग्लो है, समझते हो ना, इंडिया में भी ऐसा काम करता है, जिसमें से दो फ्रिज है, यहाँ पे एक आप देखो फ्रिज है, और यहाँ पे दो फ्रिज है, इसमें मेरा सामान रहता है, खरबूजे उरबूजे ये सब, ओवन ये सारा कुछ दिए रहते हैं, वॉशिंग मशीन भी रहता है। ये बैकग्राउंड है, खुल जा। और ये है बैकयार्ड, ये आप जो देख रहे हो ये डस्टबिन, वीकली बेसिस पे हमें फ्रंट में रखना होता है। और ये है जो रूममेट या फिर फ्लैटमेट आप कह सकते हो, उनकी बाइक, यहाँ पे बैठता हूँ कभी कभी, मूड के ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है आप देखो। और ये है रास्ता फ्रंट में जाने का, अगर मेरे को यहाँ से भी जाना है तो यहाँ से जा सकता हूँ। आप पूछोगे बाइक कहाँ से आ गई, पीछे डायरेक्ट, तो वो उसके थ्रू आती है। ये एसी लगा हुआ है, उसका ये आवाज़ करता रहता है। अब चलते हैं फ्रंट में। ये लकड़ी घर होते हैं, आवाज आ रही है ना। नो नो इट वॉज दैट वन, इट्स नॉट योर डोर, या नो प्रॉब्लम। नॉक किया तो आंटी को लगा मैं उनका डोर नॉक कर दिया हूं। ये फ्रंट व्यू है जो घर का होता है, मोस्टली आप देखोगे कुछ न कुछ पेड़ रहता है, जैसे आप देखो यहाँ पे ये पेड़ टाइप का पौधा है, कुछ काम का आता होगा, ये तो पता है कि ऑक्सीजन तो रिलीज करता है, बाकी किस काम का है मुझे नहीं पता। जैसे उनके घर में भी देखो ये लगा हुआ है। यहाँ के लोग काफ़ी फ्री हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। और ये देखो पीछे एक बंदा आ रहा है, आपके पास अगर व्हील चेयर है तो आप जा सकते हो। सब फ्री है यहाँ पे, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इजी कर रखा है, जैसे ये अगर अभी जाएंगे वो बस पे चढ़ जाएंगे, बस का वो डाउन हो जाता है, मतलब व्हील चेयर से ही बस पे डायरेक्ट, किसी की हेल्प नहीं चाहिए इनको, तो ये एक फ़ायदा है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप देखो तो सब कुछ सिमेट्रिक दिखेगा आपको, काफ़ी ज़्यादा ग्रीन दिखेगा, सिमेट्रिक, और कहीं पे भी कूड़ा नहीं दिखेगा। कूड़ा इन द सेंस पत्ते वत्ते दिखेंगे, बट ये भी क्लीन कर देते हैं कुछ दिन बाद, जैसे अभी सीज़न आने वाला है तो क्लीन हो जाएगा। ये देखो आप, तो आज का ब्लॉग यही करते हैं अभी, इसके बाद देखते हैं क्या और ऐड करना है, कुछ अगर आपको बताना होगा तो मैं बताता हूँ, और हाँ आपको कुछ पूछना है तो वो भी बताना आप। तो अब रूम की सफाई भी हो गई है, ये मेरा स्टडी टेबल कुछ क्लीन, अब रात के बज गए हैं 11:30, अब सोने का टाइम है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।